ஓகே ஓகே தெரிஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு போர் அடிக்குது நிறைய படிச்சிட்டீங்க இனி கொஞ்ச நேரம் விளையாடலாம் வீட்ல இருந்து விளையாடுற சில விளையாட்டுகளை பார்க்கலாம் வீட்டில் விளையாடும் விளையாட்டுகள் हर बच्चे को अपना कुछ समय घर के अंदर खेलने में बिताना चाहिए इससे उन्हें बहुत आनंद मिलता है उनकी सृजनशीलता और सोच समझ बढ़ती है इससे विश्लेषण शक्ति को भी चालना मिलती है रंग की ट्यूब रंग की ट्यूब में अलग अलग रंग होते हैं इनका उपयोग चित्रों में रंग भरने के लिए किया जाता है पैलेट या रंगों की तश्तरी रंग के ट्यूब से रंग निकालकर उन्हें एकत्रित करने के लिए पैलेट या रंगों की तश्तरी का उपयोग होता है कूची कूची से पैलेट से रंग निकालकर उन्हें चित्र में भरा जाता है कैरम बोर्ड कैरम बोर्ड एक घर के अंदर खेलने वाला खेल है ये एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिस पर स्ट्राइकर के साथ हम लकड़ी के सिक्कों से खेलते हैं इसका उपयोग एकाग्रता बढ़ाने में होता है कैरम के सिक्के कैरम बोर्ड पर सिक्कों के साथ खेला जाता है 9 सिक्के सफेद रंग के और 9 काले रंग के होते हैं उनके साथ एक लाल रंग का भी सिक्का होता है स्ट्राइकर से कैरम बोर्ड पर सिक्कों से खेला जाता है शतरंज शतरंज में बुद्धि का सर्वाधिक उपयोग होता है शतरंज के खेल में सामने वाले खिलाड़ी के राजा को कैद किया जाता है शतरंज के मोहरे अनेक प्रकार के सैनिक शतरंज के मोहरों के रूप में हमारे सामने आते हैं इसमें घोड़ा हाथी ऊंट राजा वजीर और सामान्य सैनिक होते हैं शतरंज में 16 सफेद और 16 काले रंग के मोहरे होते हैं पहेलियों का बोर्ड इस बोर्ड पर खेलने से पहेलियां बुझाना और कठिन समय में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है पहेलियों के कार्ड्स या पत्ते पहेलियों का खेल खेलने के लिए पहेलियों के पत्ते चाहिए पहेली का खेल खेलने से बच्चों की सूझबूझ और निर्णय क्षमता भारी मात्रा में बढ़ती है पहेलियों के पत्तों पर एक बाजू पहेली और सामान्यतः दूसरी बाजू उसका उत्तर होता है फांसा एक घनाकृति के 6 बाजुओं पर 1 से 6 तक अंक होते हैं इसका उपयोग हम अनेक तरह के खेल खेलने के लिए करते हैं